फलक केंद्रित घन में या FFCC में संकुलन क्षमता, जैसा कि पीछे देखें, संकुलन क्षमता क्या होता है कि पूरे घन के आयतन में वह आयतन जो गोले द्वारा घेरा जाता है, मतलब तो गोले द्वारा घेरे गए आयतन का आयतन तथा कुल घन के आयतन के अनुपात को कहा जाता है। अगर प्रतिशत मात्रा देखा जाता है तो 100 में होता है तो संकुलन क्षमता पूरा प्रतिशत में आता है। तो इसमें फलक केंद्रित में देख रहे हैं, देखना है FCC में संकुलन क्षमता। तो FCC में क्या होता है, हर फलक पे, मतलब FCC क्या होता है कि ऐसा घन होता है जिसमें आठों कोनों पर 1/8 भाग कण का रहता है, उसके साथ साथ छह फलकों पर 1/2 भाग, मतलब कण का आधा आधा भाग होता है। तो कुल फलक वाला मिलकर 3 कण होते हैं और कोने वाला मिलकर 1 कण होता है, तो कुल मिलकर कुल 4 कण हो जाते हैं इस प्रकार। तो इसमें हमको ये वाला पॉइंट चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप ABC दिखाते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से AC निकाल देते हैं। AC बराबर ABC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें ये मान लेते हैं कि कोर बराबर A होता है, ठीक, और ये बराबर सामान्यतः 2R माना गया है। तो इसमें अब इसमें क्या देखेंगे, तो A का मान रखते हो तो BC बराबर BC का वर्ग बटे AB का वर्ग, AB का वर्ग, तो BC का या AC बराबर अंडर रूट BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर या A का स्क्वायर बटे A का स्क्वायर कर देते हैं। तो AC बराबर आपका आ जाएगा 2A और 2A बराबर हो जाता आपका 4R, ये बराबर 4R होता है। तब एक ये होता है, एक ये होता है, ये दो कोर है, दोनों लंब और आधार है, तो A बराबर 2R, तो 2A बराबर 4R हो जाता है। तो इस प्रकार 2A बराबर 4R, तो A बराबर 4R बाई अंडर रूट 2 होता है। अब इकाई सेल का आयतन निकल गया, तो इकाई सेल का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन होता है A³ होता है या कोर का वर्ग दिखाता है, या कोर गुड़े कोर दिखाते हैं। तो 4R बाई अंडर रूट 2 के 3 कर देते हैं। तो अब इसके बाद इसका मान रखते हैं, तो 4 × 4 × 4 अंडर R³ कर देते हैं। अंडर रूट टू गुड़े ये होगा, तो अंडर रूट टू हो जाएगा और 4 × 16 × 64 R³ हो जाएगा। अब इसको काटते हैं तो 32 आता है, 32 बटे √2 × R³ आ जाता है। तो जब CC में कुल 4 गोले होते हैं, तो अब 4 गोले का आयतन निकाल देते हैं। गोले का आयतन जो होता है π r³ होता है, 4π r³ होता है, 4 × 16 π r³ हो जाएगा। अब इसमें संकुलन क्षमता के सूत्र में रख देते हैं इसका मान, तो 4 गोले का आयतन बटे घन का आयतन गुणे 100 कर देते हैं, गुणे 100 कर देते हैं, ठीक। अब 100 करते हैं तो गोले का 4 गोले का आयतन 16 बटे 3 π r³ है, और इसका आयतन घन का आयतन आपका 32 बटे π r³ होता है। इसका मान को रखते हैं तो ये 16 32 से कट जाएगा दो बार में, और r से कट जाता है, तो बचता है आपका π√2/6 बचेगा। तो पाई का मान 3.14 रखते हैं, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.4142 होता है, गुणे 6 करते हैं, इसमें 4.4406 आता है बटे 6 करते हैं, तो 0.7400 आता है ये इसका मान। अब 0.7400 में 100 का गुणा कर देते हैं, जो कि 100 रखा हुआ था इसका गुणा करते हैं तो 74% आ जाता है, तो कुल 100% में होता है। तो 100% में 74% निकल जाता है, मतलब घेरा हुआ होता है और आपका 26% भाग खाली रहता है, रिक्त स्थान रहता है। तो इस प्रकार हम लोग निकालते हैं फलक केंद्रित घन का मान। फलक केंद्रित घन में क्या होगा, फलक FCC क्या है कि ऐसा घन जिसके आठों कोनों पर 1/8 भाग के साथ साथ 6 फलकों पर कण का 1/2 भाग रहे हैं। तो 6 फलक होते हैं एक क्रिस्टल में, घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलकों पर आधा आधा कण रहेगा तो 3 कण हो जाएगा, और उसके बाद 1 कण कोने वाला हो जाता है, तो कुल 4 कण हो जाते हैं। तो इस प्रकार मतलब इसमें संकुलन क्षमता जो होता है वो इसमें FCC में 4 गोले होते हैं या 4 कण होते हैं, तो 4 कण का आयतन बटे घन का आयतन, चारों कण का आयतन आपका
ये है, चार कण का आयतन ये हो गया, और उसके बाद घन का आयतन हमें मिल जाता है, घन का आयतन मिलता है यहाँ से, ये है आपका घन का आयतन, तो इसके बटे इसके कर देते हैं, मतलब गोले का आयतन बटे घन का आयतन करते हैं। तो अब उसका मान रखते हैं, मान रखने के बाद 0.74 आ जाता है, इसमें 100 का गुणा करते हैं तो 74 आ जाता है, 74% मतलब संकुलन क्षमता आता है, तो मतलब संकुलन क्षमता बराबर 74%, और रिक्त स्थान छब्बीस प्रतिशत होता है। यह है इसका कुल मान।